एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूपाली रथ व्लॉग्स। और मैं हूं रूपाली। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं आई हूँ बाहर, क्योंकि आप मेरी चेहरे से आपको पता चलेगा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और थोड़ी सर्दी जुकाम ऐसे हो गई है, वीकनेस हो गई है थोड़ा। तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी मायके में जा रही हूँ, दो दिन रेस्ट करूँगी और फिर वापस आऊँगी घर। और कुछ दिनों में मैं ट्रैवल भी करने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा तबीयत ठीक रहना ठीक बात होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी लंबा होने वाला है। बहुत ओडिशा से लेके बेंगलोर का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है और इसलिए मैं जा रही हूँ अभी अपनी मायके। अभी आज है सैटरडे, अभी 11 बज रहे हैं। अभी देखिए रास्ते में धूप थोड़ी थोड़ी आई है, ज़्यादा नहीं है धूप, थोड़ा बहुत धूप आई है। तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी मायके, दो दिन रुकूँगी, मतलब दो दिन नहीं एक ही दिन रुकूँगी मैं, कल शाम को वापस आ जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पे जाके मैं दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या बनाया खाने में। और बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ आज, में लगभग 3 महीने हो गए। मेरी ससुराल और मायका आसपास ही है, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, फिर भी मैं नहीं जा पा रही हूँ। ऐसा पता नहीं, जिनका ससुराल पास में होता है यही प्रॉब्लम होता है क्या? दूर होगा तो जा सकते हैं ऐसा लगता है। तो चलिए अभी मैं अपनी मायके में पहुँच गई, आपसे मिलती हूँ। अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। अभी गाड़ी से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इतना ज़्यादा पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है। फिर भी भीड़ देखिए आप, भीड़ तो ऐसे ही जितना भी बचे, 1000 भी हो जाएगा ना, भीड़ नहीं कमेगा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स अब मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके में, तो फाइनली मैं आ गई हूँ और थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। और मम्मी खाना बना रही है, मटन है, मैं दिखाती हूँ क्या क्या खाना बना है आज, और थोड़ा रेस्ट करेंगे। धूप यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, इस तरफ से धूप बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये मेरा भाई का कमरा है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था हाउस टूर वीडियो में, लेकिन जब मैं आती हूँ मैं इसी कमरे में रुकती हूँ। तो कुछ इस तरह से, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या खाना बना है आज। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है बैटर है और ये जो हल्दी का पत्ता है, इससे एक पीठा बनता है, इसको ओडिशा में एंडूरी पीठा बोलते हैं। ये बैटर है, जैसे डोसा का बैटर होता है वैसी बैटर है। नारियल का स्टफिंग है, नारियल को गुड़ में फ्राई करके स्टफिंग हमने रेडी करके रखा है। अभी हल्दी का पत्ता लेना है, देखिए इस तरह से बैटर डालनी है बीच में, और उसके बाद जो स्टफिंग है नारियल का वो स्टफिंग डालनी है और उसको फोल्ड करनी है, हल्दी के पत्ते को फोल्ड करके उसको स्टीम करनी है। तो एक पीठा बोलते हैं इसको, ओडिशा में एंडूरी पीठा बोलते हैं, तो इसको स्टीम करना है। देखिए मम्मी मेरी यहाँ पे बना रही हैं और ये बना था आज, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, उनको बहुत पसंद है पीठा, एंडूरी पीठा, तो इसलिए बना है आज। और उसके साथ मटन भी है, तो देखिए किस तरह से बनता है हमारे ओडिशा में ऐसे। तो बाहर की जगह में ये पीठा आपको नहीं मिलेगा, ये ओडिशा में ही बनता है। तो ये मेरी मम्मी बना रही है और यहाँ पे मटन करी रेडी हो चुका है आज। ये मटन है, एंडूरी पीठा है, राइस है, ये आइटम बना था। तो मेरे हस्बैंड को पीठा बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी ने पीठा और मटन बनाया था। देखिए मटन का कलर कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। तो यही बना था आज लंच के लिए, तो अभी रेडी हो चुका है, बस पीठा बन रहा है। देखिए इस तरह से स्टीम इसको दिया जाता है, स्टीम देके इसको बनाया जाता है, काफ़ी डिलीशियस और काफ़ी टेस्टी लगता है। इस तरह से स्टीम करके सारे हम बना लेंगे। अब मैं आई हूँ छत पे, अंधेरा आ रहा है क्या? तो घर घूम के देख रही हूँ मैं, छत पे आई हूँ, 3 महीने के बाद आई हूँ ना, तो सब कुछ घूम के मैं देख रही हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मायके आने के बाद ना अपने घर का बहुत याद आता है और हम ना घूम के सब देखते हैं, सब घर सब कुछ ठीक है कि नहीं। देख लीजिए छत का नज़ारा,
इस तरह से है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं इसलिए कड़ी धूप है, 1 बज रहे टाइम। तो चलिए बाहर की तरफ भी देखते हैं, कुछ इस तरह से धूप बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी बैठने का भी जगह है तो बैठ जाती हूँ मैं। तो देखिए कुछ इस तरह से है मेरे, हमारे जो मायके की मेरी घर है ना, छत के ऊपर से ऐसे नज़ारा है, देख लीजिए। मॉर्निंग के टाइम में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। अभी इस तरह से कड़ी धूप है तो मैं हर जगह घूम के देख रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद आई हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं, अभी लंच करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी। तो चलिए नीचे चलते हैं, कड़ी धूप आ रही है। अब यहाँ पे खाने के लिए सलाद भी बना था, ककड़ी और प्याज का सलाद। यहाँ पे मैं कटिंग करके दे रही हूँ मेरी मम्मी को और मेरे हस्बैंड, मैं कटिंग कर रही हूँ और ये बीच बीच में सलाद खा रहे हैं। तो ये आए थे मुझे छोड़ने के लिए, अभी चले जाएंगे, मैं 1 दिन रुकूंगी और उसके बाद जाऊंगी। अभी देखिए मेरे भाई ने मंगवाया था ये गीज़र है, जैसे कि सर्दी बहुत हो रही है उड़ीसा में, गीज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी डिलीवर होके गया है ये गीज़र है, इसका इंस्टॉलेशन होगा। तो मैं सोची वो भी थोड़ा दिखा लूँ क्या क्या चल रहा है हालचाल, वो सब कुछ तो मैं दिखा रही हूँ। तो अभी ये गीजर का जो पर्सन है वो आके डिलीवर करके गए हैं, अभी इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे 1-2 दिन के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ज़रूरत है। और ये देखिए मेरे भाई ने मेरे घर, हमारे घर में नया सोफ़ा लिया था। पिछली बार जो मैं आई थी ना, तो आपने दूसरा सोफ़ा देखा होगा घर की वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। ये नया वाला आया है और बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए, शाम की टाइम हो गई है, शाम में कुछ इस तरह से नज़ारा देख लीजिए। और मेरी मम्मी ने चाय बना ली है मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, तो हम दोनों चाय पी के ऐसे बाहर का नज़ारा थोड़ा देख रहे थे। और देखिए अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, रात की 8 बज चुका है और मेरी मम्मी टीवी देख रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरे भाई गया है एक शादी में, उसकी फ्रेंड की यहाँ पे एक शादी था वहाँ पे गया है, और मम्मी मेरी टीवी देख रही है। अनुपमा सीरियल मेरी मम्मी की फेवरेट बन चुकी है, तो मैं तो नहीं देखती, तो मेरी मम्मी देख रही है टीवी और मैं कर रही हूँ अपना काम। तो इस तरह से हम बातचीत भी कर रहे थे और इवनिंग का टाइम ऐसे ही स्पेंड कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इतने दिनों की बाद आके। तो सबको, सारी लड़कियों को अच्छा तो लगता ही है। और नाइट का टाइम हो गया है, मैं नाइट में खाऊंगी फ्रूट्स, तो यहाँ पे एप्पल है, ऑरेंज है, तो मैं एक एप्पल खा के ही सोऊंगी आज, तो इसलिए एक एप्पल ले लेते हैं, क्योंकि फ्रूट्स खाना भी ज़रूरी है। मम्मी खाएगी एक एप्पल और मैं खाऊंगी एक एप्पल। तो अभी देखिए ये मेरा भाई का सेटअप है, वो यहाँ पर काम करता है, उसने अपना सेटअप यहाँ पे रेडी किया है बेडरूम में। अभी मैं आ गई हूँ सोने के लिए, नाइट का टाइम हो गया है और मैं बेड रेडी कर लूँगी और सो जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा ऐसा ही है, घर का माहौल मैं दिखा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू ब्लॉग में। वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर।